नहीं माना, तुमने मेरी माँ को मारा है, उसके बाद तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तुम भूल गई हो कि तुम उस घर में क्यों गई, तुम भूल गई हो कि हम दोनों एक क्यों हुए थे, तुम भूल गई हो कि उस घर में अभी भी तुम्हारी माँ के कातिल है और मेरी पत्नी के हत्यारे हैं। रॉकी से मेरा रिश्ता अलग है, पर मैं ये कैसे भूल सकती कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। रुद्र सही तो बोल रहा था, मैं एक नागिन हूँ, यहाँ इंतकाम लेने आई हूँ रॉकी के परिवार से। ये जानने के बाद रॉकी मुझे कभी माफ नहीं करेगा, वो कभी मुझे नहीं समझेगा। मेरा सच जानने के बाद वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। शिवांगी, शिवांगी कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, तुम कहाँ थी तुम? रॉकी वो देखो बस अब झूठ नहीं, कब तक ऐसे ही सच छिपाती रहोगी? बताओ कहाँ थी? रॉकी वो एक्चुअली मैं जानता हूँ तुम कहाँ थी, क्यों गई थी और किस लिए गई थी। प्यार के लिए, राइट? अरे प्यार का दिन, वैलेंटाइंस डे। अरे तुम भी भूल गई होगी कि आज वैलेंटाइंस डे और मेरे लिए गिफ्ट लाने गई होगी, राइट? और वैसे भी तुम्हारी चॉइस तो बाय गॉड इट्स अमेजिंग। मेरी चॉइस, यू नो व्हाट, तुम्हारे लिए। लेकिन ये फाइनल गिफ्ट नहीं है, वो तुम्हारे गिफ्ट देखने के बाद ही फाइनल होगा। और प्लीज इसे देखकर मुझे जज मत करना, बिकॉज ये तो गिफ्ट में भी कॉम्पिटिशन। अरे मजाक कर रहा था, लाओ मैं तुम। नहीं मैं करूंगी, मैं खोल। रॉकी ये तो बहुत सुंदर है। पता है इस तारे की तरह हमारा प्यार भी चमकता रहेगा, चमकता रहेगा ना। तारा जब तक टूटता नहीं है तब तक चमकता ही रहता है। I promise शिवांगी, इस तारे को कभी टूटने नहीं दूंगा। May I? रॉकी मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई, वो एक्चुअली मैं किसी काम से बाहर गई थी, वहीं लेट हो गया और फिर। कुछ मत कहो शिवांगी, पता है मैंने प्यार पे और शादी पे कोई पीएचडी तो नहीं किया, लेकिन एक बात समझ गया, प्यार किया है शादी भी की है तो फिर विश्वास भी करना सीखो। कहते हैं कि एक दूसरे की लाइफ में इतना भी इंटरफियर ना करो कि दम घुटने लगे, रिश्तों को समझो, क्योंकि जहां समझ है वहीं तो रिश्ता है। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों को ही देख लो प्लीज मैम, अब हम दोनों पति पत्नी हुए तो क्या हुआ, दोनों एक जैसे तो नहीं हो सकते, राइट? दोनों की आदतें जरूरतें अलग भी तो हो सकती हैं। अब जरूरी थोड़ी दोनों को गुस्सा एक ही बात पे आए या फिर झगड़ा भी एक ही बात पे हो। पर जानती हो शिवांगी, जो प्यार करते हैं ना झगड़ा भी सबसे ज्यादा वही करते हैं, और कहते हैं वही कपल एक दूसरे को सबसे ज्यादा समझते हैं। देखो इसीलिए मैंने आज से डिसाइड कर लिया है, जो बात तुम नहीं भी कहोगी वो बात ही समझ जाऊंगा मैं, यू नो व्हाई, क्योंकि मैं एक परफेक्ट हस्बैंड बनना चाहता हूं, और हमारे बीच में जो झगड़े होते हैं ना उसकी वजह से तुम्हें अपने आप से दूर नहीं रखूंगा। अच्छा तो अब हमारे भी झगड़े भी होंगे? अरे बिल्कुल नहीं, कहाँ होंगे कहाँ होंगे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि आगे अगर फ्यूचर में अगर कोई झगड़ा हो गया हो तो उसे सॉल्व भी हम दोनों ही करेंगे, एक दूसरे को अपने से कभी दूर नहीं होने देंगे। And you know what? अच्छा हुआ तो मेरे लिए गिफ्ट लेकर नहीं आई। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारा गिफ्ट मेरे से बेटर ही होता।
मैं जानती हूँ रॉकी को सच पता चल भी गया तो भी वो सही का साथ देगा, गलत का कभी नहीं। और मानव, तुम गलत हो। तुमने जो गलती की थी, वक्त आ गया है कि तुम अब उसका भुगतान करो। सुनो, मैं उससे मिलने गई थी और उसने कहा शिवांगी से उसकी मुलाकात नहीं हुई है और ना ही उसके पास नागमणि है। यामिनी, तुम तो रहने दो, पहले ही इतनी बेवकूफियां कर चुकी हो। नागमणि महेश का सिंह गलत आदमी को दे दिया, कैसे मान ले कि तुम सच बोल रही हो? कैसे मान ले कि वो छठा आदमी सच बोल रहा है? अरे ओ मक्खी, अगर उसके पास नागमणि होती तो क्या वो छठा कातिल इस हवेली में इस तरह खुलेआम घूमता रहता? नहीं ना, या तो वो नागमणि लेके यहाँ से भाग जाता, इस तरह से वो मुझसे मिलने थोड़ी ना आता, अपनी जिंदगी खतरे में डालकर शिवांगी की मदद क्यों करता? ये भी सही है, रेड हुडी सुनते ही मुझे छठे कातिल पर शक हुआ, पर जरूरी तो नहीं ना कि वो रोज रेड हुडी ही पहने। रेड हुडी में तो कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि शिवांगी को नागमणि किसी और ने दी हो। ये भी तो हो सकता है कि शिवांगी झूठ बोल रही हो। इसका मतलब शिवांगी ने हमें बेवकूफ बनाया। चढ़ी काली नागिन चढ़ी जहर पानी लेके, जब देखो चढ़ने के फिराक में रहती हो। अरे ओ बेवकूफ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शिवांगी ने हमें बेवकूफ बनाया हो या किसी तीसरे इंसान ने। यही तो हमें पता लगाना है। वो कोई तीसरा ही होगा, वो नाग जो रुद्र के साथ आया था वही होगा। शिवांगी नहीं हो सकती है। तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती हो? तुम्हारा बस चले ना तो बिना कसूर के एक ही दिन में शिवांगी को डस के अपना सारा जहर पिला देती। क्योंकि तू रॉकी से प्यार करती है, रॉकी शिवांगी से प्यार करता है, इसलिए शिवांगी को देखकर तेरा जहर खोलता है। अरे एक बार नहीं 10 बार हम शिवांगी को आजमा चुके हैं। ना ही वो नागिन है और ना ही उसके पास कोई नागमणि है। तो फिर नागमणि किसके पास है? कौन है वो रेड हुडी वाला या फिर वाली जो हमसे नफरत करता है, रॉकी से इतनी मोहब्बत कि उसकी जान बचा ले? पता तो लगाना ही होगा कौन है वो। इंसान से प्यार किया है तो अब इंसानों की तरह जाहिर भी करना होगा ना। वैलेंटाइंस डे पे क्या गिफ्ट दूं रॉकी को? पता नहीं शिवांगी ने मेरे रॉकी को क्या गिफ्ट दिया होगा। ए रोमन, भाभी को देखा? भाई सुशांत की आंखें फॉलो करो, वो जिस लड़की को देख रहा है ना, आपकी शिवांगी उसी के साथ खड़ी है। एक गौतमी, ये ना भाई तुम्हारे, मैं तो बोल रही हूँ मारो इसको पकड़ के। वो क्या भाई, पता कौन है वो? हाँ भाई की साली है वो। एग्जैक्टली, इसीलिए नो फ्लर्टिंग, इज्जत से पेश आओ। या ही इज राइट, शिवांगी की बहन है वो। अरे भाई हाँ हाँ, दिस टाइम तो आई एम सीरियस। तू ना रामेल, ये तूने बताया ना भाई को, ये तू तेरी अरे सुशांत सुशांत And you know what? उसके बाद क्या हुआ कि तू किसे ढूंढ रही है? हाँ, किसी को भी नहीं, मैं तो बस तैयारियां देख रही थी। आओ, मुझसे तो मत छुपा, ये मत सोच कि मैंने नोटिस नहीं किया। कुछ तो करने की तू प्लानिंग कर रही है आज इस पार्टी में। वैलेंटाइन्स की कोई स्पेशल प्लानिंग है? ऐसी कोई बात नहीं। थैंक
गॉड तुम आ गए। पता है शिवांगी कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही है। आई मीन इसकी आंखें। एंड यू नो व्हाट, आज इसने पूरा एक घंटा लगाया तैयार होने में। चलो तो फिर लव बर्ड्स को मैं अकेले छोड़ देती हूँ। एंड ऑल थैंक्स टू मी। एक घंटा? अरे कुछ भी बोलती है वो। नहीं नहीं नहीं, यू नो व्हाट, अब इतनी सुंदर लग रही हो तुम। चलो आज अपनी बीवी को डेट पे ले जाने को मन कर रहा है। डेट कंफर्म? वो तो पहले ही हो चुकी है। अच्छा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा गिफ्ट फाइनल नहीं है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कौन सा सरप्राइज बताओ ना। अरे सरप्राइज का मतलब है कि इंतजार करो। मेरी माँ का कातिल मेरी आंखों के सामने है, तो अब इंतजार नहीं होगा। इंतजार करना मुश्किल तो बहुत है, पर कोशिश जरूर करूंगी। अच्छा मैं भी खाना चेक करके आती हूँ। रॉकी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। विश यू द सेम। कैसी हो तुम? मेरा मतलब है महेश के बारे में मैंने सुना। रॉकी प्लीज, आज महेश की बात मत करना। आज तुम और मैं। हे रॉकी, कैसा है डूड? हे रुचिका, एक सेकेंड हाँ, मैं अभी आया। सो गॉर्जियस गौतमी, यू नो एक बात बताऊं तुमको मैं, यहाँ पे इतनी सारी लड़कियां हैं लेकिन तुम सबसे अलग, तुम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। और आज पहली बार वैलेंटाइंस डे यहां से फील हो रहा है। रॉकी तुझे भरी पार्टी में अकेला छोड़कर चला गया और तू हंस रही है। कहा था ना मैंने काली नागिन कि तू काली हो गई है, मतलब पागल हो गई है। अब तू जलती है तब भी हंसती है, लेकिन मुझे तेरी जलन साफ साफ दिखाई दे रही है। ए जलन की दुकान, तेरी आंखें वो क्यों नहीं देख रही है जो मेरी आंखें देख रही है? वो देख, प्यार के पंछी नए नए उड़ रहे हैं। अब जब हम प्यार से नफरत के खेल खेलेंगे ना, तो शशांक के पत्ते को राइट टाइम पे यूज करेंगे। हाँ? हाय। सारी तैयारियां हो गई? सारी तैयारियां हो गई हैं। कमरे में मैं अलमारी के ऊपर होऊंगा, इसके साथ इस मैग्नेट से मैं मानव का कवच छीन लूंगा। उसके बाद तुम उससे वार करोगे और उसे मार डालोगे। रुद्र, मानव बहुत शातिर है, उसे फंसाना इतना आसान नहीं होगा। फंसेगा, जरूर फंसेगा, अगर उसको फंसाने वाली नागिन होगी। काली नागिन शेषा, शुरू से मानव की नजर उस पे है। तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है? हाँ समझ गई कि क्या करना है मुझे। चले तेरी जान, तुम्हारा ये वैलेंटाइन गिफ्ट पूरा का पूरा तुम्हारे सामने बैठा है। कैसे लग रहा है? मानव जल्दी जाओ यहां से। चाची आप ऐसे यहाँ क्या कर रही हैं? मानव को ढूंढ रही हूँ। वो क्या है ना, आज वैलेंटाइंस डे है ना, तो मैंने सुबह ही मानव को बोला था कि कम से कम आज के दिन तो मुझे थोड़ा वक्त दे दो। देखो ना कब से ढूंढ रही हूँ मैं उसे, कहीं दिख ही नहीं रहा। वो क्या है ना, मुझे उसे एक गिफ्ट देना है। सुबह से मौका ही नहीं मिल रहा था और अभी मौका है तो मेरे पतिदेव गायब है। तूने मानव को देखा क्या? अब हाँ, शायद गार्डन की तरफ गए थे। अच्छा मैं देख के आती हूँ। हाँ चाची। हाँ चाची सुनिए, चाची ये प्यार की फीलिंग बहुत अच्छी होती है। प्यार करना भी अच्छा लगता है।
लेकिन ऐसे इंसान से प्यार करके क्या फायदा जिसे आपको ढूंढना पड़ जाए, जिसके साथ वक्त बिताने के लिए आपको वक्त मांगना पड़े, जिसे ना आपकी कोई फिक्र है ना आपकी फीलिंग्स की। नहीं शिवांगी, ऐसी बात नहीं है, मैं ही मानव के लायक नहीं बन पाई। नहीं चाची, आप तो कितनी अच्छी हैं। आप किसी ऐसे इंसान को डिजर्व करती हैं जो आपसे प्यार करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी फिक्र करे। एक गलत इंसान के साथ रहने से तो अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। कहना आसान है, रहना नहीं। एक मिनट में कॉल लेती हूँ। श्योर। यही सही मौका है, मैं आ रही हूँ। माना, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो स्वीट हार्ट? मैंने तो पहले ही तुम्हें इशारा किया था, पर वो अमर बीच में आ गया और पूरा रोमांस फुस कर दिया। याद है शिवांगी की मुंह दिखाई थी उस दिन, और मैंने तुम्हें कमरे में बुलाया था अपनी मुंह दिखाई के लिए। मैं आया तो था मेरी जान, अब भी क्या बिगड़ा है? मैं आ जाता हूँ। नहीं, यहाँ नहीं, बेडरूम में। यस।